हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नॉर्मल जो वीकली ग्रोसरी है वो करने जा रहे हैं। सुबह के इस वक्त 7:30 बज रहे हैं और यही टाइम सबसे बेस्ट है ग्रोसरी का मेरे ख्याल से, स्पेशली COVID-19 के सीज़न में, कि रश कम होता है और इजीली और फ्रेश स्टफ़ आपको मिल जाता है हर स्टोर्स में। तो आज से हम कोशिश करेंगे कि कोई एक नया फ्रूट ऐसा लें और उस पर उसकी डिटेल आपको बताएं और उसका टेस्ट के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में कि वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ उसकी काश्त होती है और यूके में कहाँ कहाँ से आता है और किस सीज़न में आता है। तो मेरे ख्याल से चलें पहले ग्रोसरी करते हैं, फिर उसके बाद बाकी बातें आपसे करेंगे। काफ़ी अंधेरा है जबकि सुबह के 7:30 बज रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, क्लाउड काफ़ी डार्क हैं, बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। और सबसे पहले हम अजडा सुपर स्टोर जाएंगे जो कि वॉलमार्ट USA की फ्रेंचाइज है। USA में वॉलमार्ट के नाम से है लेकिन UK में अजडा के नाम से है। तो ये हमारे घर के पास ही एक बड़ा शॉपिंग मॉल है, विंडमिल शॉपिंग मॉल जहां हम जा रहे हैं। यहां ये अजडा सुपर स्टोर है जो कि 24 आवर्स खुला रहता है। और इस मॉल के अंदर और भी स्टोर्स हैं जिसमें मेटलॉन है, जिसमें ड्रेसिंग वगैरह है, मिलती हैं, कपड़े मिलते हैं। उसके साथ ही फिर होम बार्गेन है जहां के काफ़ी सस्ती सामान मिलता है घर का, इस घर के इस्तेमाल का। उसके बाद फिर आइसलैंड है जो कि फ्रोज़न सामान के लिए काफ़ी पॉपुलर है UK के अंदर। फिर बूट्स है जो कि फार्मेसी है, उसके अलावा जिम भी है, शूज़ोन है जहां जूते वगैरह शूज़ मिलते हैं। उसके अलावा स्टोरियां JD स्पोर्ट्स भी है जिससे सब लोग वाकिफ़ होंगे। सुबह का टाइम है तो आप देख रहे हैं कि पार्किंग भी खाली है, कोई ज़्यादा रश नहीं है पार्किंग के अंदर, इसलिए कि आज सैटरडे है और छुट्टी का दिन है। UK में मोस्टली सैटरडे और संडे वीकली हॉलीडेज़ होती है, तो आज ये इसीलिए ट्रैफिक भी कम होता है। और शॉपिंग सेंटर में अगर आप सुबह के टाइम आ जाएं अर्ली मॉर्निंग तो रश भी कम होता है। तो अंदर जाते हैं अजडा में, जाके देखते हैं अगर हमें इजाज़त मिली माफ़ कीजिएगा अंदर वीडियो बनाने की, तो अंदर की वीडियो ज़रूर बना के आपको दिखाएंगे, वरना फिर हम बाहर आके आपको वैसे ही रिव्यू देंगे और बताएंगे उसके बारे में कि हमने क्या शॉपिंग वगैरह की। तो आइए चलें, अंदर चलते हैं। पिछली दफ़ा कौन सा लिया था, वो अच्छा लगा था शायद हम लोग। हाँ यही ले लें। ये बताएं आपके क्या ले रहे हैं, बिल्लियों की कितनी चीज़ें ले रहे हैं? जी ये कैट फूड ले रहे हैं हम, एक जो है ये वेट फूड है विस्कस का और बॉक्स है, और एक ये ड्राई फूड है कैट के लिए जिसमें के टर्की, चिकन और वेजिटेबल्स मिक्स है। जबकि ये वेट फूड जो है इसमें डिफरेंट पाउचेस हैं, डिफरेंट चिकन के, टर्की के और पोल्ट्री के और डक के, मीट के, और ये इसका कैट लिटर है। एक सीजनी ले लें और एक सालसा ले लें उसको।
एक काफी। हाँ, ये फ्रोजन सेक्शन है, आप देख सकते हैं शेल्फ हैं सारे, इसमें आइसक्रीम वगैरह, फ्रोजन फ्रूट्स और दूसरे जो फ्रोजन स्टफ है वो है। ये केक बनाने का सामान का शेल्फ है, जहाँ से कुछ फाउंडेशन आइसिंग हमें लेना है। हमारी मेरी वाइफ को चाहिए, कुछ केक बना रही हैं शायद ये उसके लिए, तो ये लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। ये क्रिप्स और स्नैक्स का सेक्शन है, जहाँ के अपने लिए बच्चों के लिए कुछ क्रिप्स वगैरह ले लें। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं लेना है। तो यहाँ हमने अपनी शॉपिंग फिनिश कर ली है अजडा की, अब हम जाएंगे पाकिस्तानी स्टोर, वेजिटेबल वगैरह ख़रीदेंगे, और वहीं है फार्म फूड जहाँ से दूसरी चीज़ें लेंगे। ठंड में चाय पीने का मज़ा ही कुछ। अब जाएंगे फार्म हाउस, फार्म फूड, फार्म हाउस के साथ फार्म फूड, और वहीं से फिर अपना पाकिस्तानी स्टोर जहाँ से वेजिटेबल्स और फ्रूट, नया फ्रूट, दूसरी चीज़ें कुछ देखेंगे, फ्रूट भी देखेंगे और कुछ जो तुम्हें लेना, दालें वगैरह, चावल, घी। बस अब हम जा रहे हैं अपना फार्म फूड और फूड शॉप की तरफ। ये एक दूसरा मॉल है जो इस शॉपिंग मॉल के करीब ही है। इस मॉल के अंदर KFC, इसका तो लोगो देख के बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं एक्स्ट्रा। तो इसमें KFC भी है, 24 आवर्स खुला रहता है। उसके अलावा ये सामने डोमिनोज पिज़्ज़ा है जो अभी बंद है, शाम को खुलेगा। ये अलीशा है, मसाला बाज़ार बंगालियों का बाज़ार है, तो फार्म फूड है, और ये सनराइज हलाल सुपर मार्केट जिसके अंदर से हम फ्रूट वगैरह और दूसरा सामान लेंगे। तो गाड़ी पार्क करके सबसे पहले फार्म फूड जाएंगे, वहाँ देखते हैं कुछ। ये कबूतर आप देख रहे हैं रोड के ऊपर, ये असल में जो सुपर स्टोर वाले हैं, ये इनको रोज़ाना डेली दाना डालते हैं काफ़ी, जिसकी वजह से सारा दिन ये कबूतरों का यहाँ रश लगा रहता है। आलू पराठा, आलू गोभी पराठा, लच्छा पराठा,
चिली पराठा, मसाला चपाती, प्लेन लच्छा, आलू अचारी, ऐसा मैंने भी तो ये फिलिंग वाले भी हैं, मिक्स वेज पराठा, मूली पराठा, मूली पराठा ये होल मील पराठा, वो होल मील चपाती, अजवाइन पराठा, मिक्स वेज पराठा, गार्लिक पराठा, अनियन पराठा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा था कि आपसे बात हुई थी सुबह, हम एक फ्रूट लेके आए हैं आपके लिए और बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, नया है, अजीब सा भी है, तो स्पाइकी है। हाँ, बहुत। तो इसका नाम बताते हैं सबसे पहले आपको कि ये कहलाता है एक का किवानो, अफ्रीका का फूड है ये, इसीलिए इसका नाम भी अफ्रीकन ही लगता है ये, एक का किवानो। इसको और नामों से भी बुलाया करा जाता है, जैसे कि मेलानो, इस पे लिखा हुआ ही है, मैं आपको दिखाऊंगा करीब से। और उसके अलावा बाद जगहों पे अफ्रीकन कुकम्बर भी इसको बोलते हैं, हॉर्न मेलन भी कहते हैं, हॉर्न मेलन इसलिए कहते हैं, हाँ, हॉर्न मेलन इसलिए कहते हैं कि ये काफी स्पाइकी है, जैसे कि इसकी स्किन आपको दिख रही होगी, ये कांटे कांटे से इसका कलर जो है ऑरेंज है, लेकिन येलोइश ऑरेंज कह सकते हैं, इसलिए कि येलो शेड भी है और ऑरेंज भी है। अच्छा शेड है, माइयों में पहन सकते हो, सही बात है। इसके अलावा इसके बारे में क्या बताऊं मैं आपको, कि वेरी रिच इन विटामिन ए, बी, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स, विटामिन सी, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, ये सब कुछ इसमें मिलेगा और 85% वाटर है इसके अंदर। अच्छा, हाँ, तो इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है, फिर इसको बताएंगे कि अंदर से कैसा है। डायबिटिक पेशेंट के लिए भी अच्छा है और हेल्दी रहता है। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये देखिए मैंने लिख के रखा है इसलिए, बताने के लिए ताकि याद रहे, जैसे कि वैसे आदमी भूल जाता है, तो बताएं आप। हाँ, ये बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, कैंसर के पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद है, कैंसर सर्वाइवर यूज़ कर सकते हैं, और आपके रेड ब्लड सेल्स, जैसे किसी के जो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है, और लो इन कैलोरीज है। अच्छा, हाँ, ये भी सही है। इम्यूनिटी आपकी बढ़ाता है, कैंसर के अंदर काफ़ी जो है उनमें इस्तेमाल होता है, और डायबिटिक जो पेशेंट है टाइप 2 उनके लिए कहते हैं कि बहुत अच्छा है। तो अब इसको काट के देखते हैं कि ये है कैसा, टेस्ट में कैसा है। तो मैं काटूंगा, आप काटें, आप ही काट लें, आप एक्सपर्ट हैं काटने में, मतलब काटने में। काफी वॉटरी है, देखें इसीलिए इस पे लिखा हुआ है कि 85-87% वाटर में से पाया जाता है। अंदर से भी काफी कुकम्बर जैसे ही है, इसके जो सीड्स हैं वो भी कुकम्बर जैसे ही हैं, और इसको कहते हैं कि इसको आपने स्पून से या इसके अंदर का जो है ये निकाल के खाना है, इसका स्किन नहीं खाना, स्किन का टेस्ट शायद अच्छा नहीं है, इसलिए स्किन खाने को मना किया जाता है। तो इसको ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, ये जब कच्चा होता है तो ग्रीन कलर का होता है, जब पक जाता है तो इसका ये कलर हो जाता है, जब मतलब इसको क्या कहेंगे,
पकने को इंग्लिश में कहते हैं राइप, हाँ राइप हो जाता है, तो ये ऑरेंज कलर का ऐसा हो जाता है। तो खा कर ट्राई करके देखते हैं कैसा, ये लग भी वाटरमेलन और कोकम्बर जैसी है अंदर से। अच्छा इसके बीज जो है खाने के हैं, फेंकने के नहीं है। टेस्ट है लेकिन तुर्शी, मतलब वो थोड़ी सी खट्टा है, साइट्रस जैसे होता है ना टेस्ट। इसमें सब में कुछ बीज पके हुए हैं ना, हाँ कुछ ज्यादा पक जाए तो उसी तरह हार्ड हो जाते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा पक गया है, कुछ बीज हार्ड है कुछ सॉफ्ट है, लेकिन जब आप वैसे लेके खाएंगे तो बीज ऐसा है कि खाने के ही है, इसके फेंकने के नहीं है, इसलिए कि इसमें बीज कुकम्बर और की तरह ही हैं, तो उनको आप निकाल के फेंक नहीं सकते। उसी से मिलता जुलता मतलब टेस्ट कुकम्बर जैसे ये, लेकिन थोड़ा तुर्शी थोड़ा खट्टा है। अच्छा ये और तो इसमें क्या आपको, हाँ प्राइस इसकी थोड़ा एक्सपेंसिव है, यूके में इसकी प्राइस मुख्तलिफ होगी, लेकिन जहाँ से हमने लिया है जिस फ्रूट शॉप से, वहाँ इसकी प्राइस थी 1.69 pence ईच, यानी एक फ्रूट की जो प्राइस है हमने इसकी प्राइस है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। यूएस में शायद इससे इतनी $2 या $2.50 का ऐसी कुछ है। तो आई डोंट नो कि पाकिस्तान में इसकी क्या प्राइस होगी और पाकिस्तान में ये अवेलेबल है या नहीं है, ये भी मुझे नहीं पता, इसलिए कि मैंने, मेरा ताल्लुक कराची से है, मैंने कभी कराची में ये फल नहीं देखा। हो सकता है अब आ गए हों, क्योंकि हम लोग बहुत पहले के वहाँ से निकले, मैं तो उस जमाने में इतने नए फ्रूट्स नहीं आते थे, अब तो हाँ हो सकता है, इसलिए कि अब काफी इम्पोर्टेड चीज फ्रूट्स और दूसरे टिन फूड और दूसरे स्टफ जो आप बड़े स्टोर्स हैं तो अपना सुपर स्टोर्स हैं उनमें अवेलेबल है। कुछ सदर का कोई एरिया है जहाँ ये सारे फ्रूट्स जो हैं नए नए फ्रूट्स और बाहर के फ्रूट्स मिलते हैं। अच्छा हाँ पहले भी मिलते थे लेकिन अब भी मिलते हैं। बिल्कुल होगा, इसलिए कि मेरी नॉलेज में इतना नहीं है तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इसको अगर ये मिलता है तो ट्राई ज़रूर कीजिए करें, इसलिए कि फ़ायदे बहुत हैं इसके अंदर, जैसा कि अभी आपको बताया हमने कि इसमें क्या क्या विटामिन और कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम आयरन बहुत चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छा फ्रूट है, डिहाइड्रेशन के खिलाफ भी बहुत अच्छा फ्रूट है, जिसको डिहाइड्रेशन अगर हो रही है किसी वजह से, तो अगर पानी उसके बाद या दूसरी ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है डिहाइड्रेशन ख़त्म करने के लिए, तो ये फ्रूट इसको खा के भी आप उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो आई थिंक बहुत कुछ बता दिया, बहुत सारी बातें हो गई इसके बारे में, तो आप पाकिस्तान में ढूंढिएगा, कॉमेंट्स में लिखिएगा, हाँ खा के ट्राई करें, फिर कॉमेंट्स में लिखें, और हमारा चैनल QQI TV देखते रहें, जिसके अंदर ये अभी हमने नया स्टार्ट किया है शो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर रिव्यूज हम देंगे, तो प्रोग्राम में मैं और शादी हम दोनों होंगे इंशाल्लाह जी। तो आज के लिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, और चैनल को याद रखें QQI TV यूट्यूब चैनल है, उसमें और भी प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कुकिंग शो भी हैं, उर्दू पोइट्री भी है, और उसके अलावा नेचर वर्ल्ड के नेचर ब्यूटी के ऊपर वीडियोस भी होंगी होती हैं, और इंशाल्लाह आगे चल के कुछ और प्रोग्राम भी उसमें हम इंक्लूड करेंगे, तो देखते रहिए। और उसके साथ ही सादिया का इनका अपना चैनल है बेकिंग का, जिसमें ये केक वगैरह बनाना सिखाती हैं, उसके बारे में ये खुद बताएंगी। जी मेरा चैनल है BGM's पैटिसरी, उसमें मैं आपको डिफरेंट तरह की पैटिसरी की बताऊंगी, जैसे उसमें केक हैं, कपकेक्स हैं, और डिफरेंट कुकीज़ हैं, और फ्लावर बनाना बताऊंगी, और केक को डेकोरेट करना बताऊंगी, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, तो वो आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें सीख सकते हैं। और कुछ और बस उसको मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें,
लाइक करें। उसका जो लिंक है वो इनके चैनल का भी, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे छोड़ दूंगा, और इसका नाम और इसकी थोड़ी डिटेल भी छोड़ दूंगा, लिंक भी छोड़ दूंगा, तो आप जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह चलते हाफिज। हैं, अल्लाह हाफिज।